खरगोन जिले के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर सड़क पर उतरा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। खरगोन जिले का यह एसोसिएशन अब अपनी आखिरी उम्मीद आरटीई फंड की राशि प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद करते दिख रहा है, जबकि कोरोना काल में फीस के अभाव में प्राइवेट संस्थाएं दम तोड़ती दिख रही है और कई निजी शिक्षण संस्थाओं में गत वर्ष का वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उन्हें आरटीई की राशि प्रदान की जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष लवेश राठौर ने बताया कि दूसरे जिलों की तुलना में शिक्षा विभाग हमसे सौतेला व्यवहार कर रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम मध्य प्रदेश के समस्त निजी स्कूल संचालकों के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला खरगोन अपने खरगोन जिले के समस्त स्कूल संचालकों के साथ में आज यहाँ डीपीसी कार्यालय में आए हैं और हमारी मुख्य मांग यही है कि हम सभी स्कूल संचालकों को विगत कई वर्षों का 2016, 2017, 2018, 2019 आरटी का पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम सभी स्कूल कोविड-19 के चलते हुए अभी 8 माह से हमारे स्कूल्स बंद हैं, हमें कोई फीस भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अस्तित्व बचाने का संकट आ गया है और संकट के इस दौर में आज हमारी एक अंतिम उम्मीद के रूप में हम डीपीसी कार्यालय में आए हैं कि जो हमारा बकाया राशि हमारी वो हमको शीघ्र से शीघ्र भुगतान किया जाए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि खंडवा और धार जैसे जिलों को 2018-19 का आरटी का पैसा मिल चुका है और खरगोन जो कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, पूरा जिला आदिवासी बाहुल्य है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक शासन के द्वारा फंड ही उपलब्ध नहीं कराया गया है, ऐसा कार्यालय के द्वारा बताया जाता है। तो आज हम अपनी मांगों को लेकर के श्रीमान डीपीसी महोदय के पास में आए हैं और उनसे ये निवेदन किया है कि हम सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों के जो समस्याओं को देखते हुए फंड की उपलब्धता करवाने के लिए शासन को अनुरोध किया जाए और मांग की जाए कि वो हमें शीघ्र से शीघ्र अपना हमें अपने हक की राशि प्रदान करने का कष्ट करें। यदि हमारी मांगों को शासन के द्वारा नहीं माना जाता है तो हमारे प्रदेश संगठन ने आह्वान किया है कि 1 सप्ताह के भीतर हम जो है वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी। नाम सर आप? डॉक्टर लवेश राठौर, खरगोन। असल में क्या है सर, आरटी फीस प्रतिपूर्ति की कार्रवाई समय समय पर की जाती रही है और चूँकि प्रपोजल आते हैं है ना, उसके पश्चात क्या होता है कि बजट भी देखा जाता है, तो बजट नहीं होने से कुछ ऐसी स्थिति बनी है। तो हमने शासन से मांग की है, पहले भी मांग कर चुके हैं, तो जैसे ही कुछ बजट प्राप्त होगा तो हम लोगों को इनकी जो बाकी की फीस प्रतिपूर्ति कर लेंगे। अन्य जिलों में मिल गया खरगोन को ही क्यों नहीं मिला? अरे अन्य जिलों में भी असल में क्या है कि 100% कहीं नहीं हो, कुछ हमारे यहाँ मिल चुका है, कुछ प्रपोजल बचे होंगे, सभी बच्चों का ऐसा नहीं है ना, कुछ बचे हुए हैं, जैसे जिनके प्रपोजल नहीं है तैयार होते हैं वो बचे हुए हैं, तो जो भी पेंडिंग है उसको हम कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।